हाय फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। हमने लास्ट टॉपिक में देखा था कि कैसे रिटर्न्स की कौन से बंदे को कौन सा रिटर्न फाइल करना है, उसकी फ्रीक्वेंसी कौन सी है, मंथली है, क्वार्टरली है या ईयरली है, राइट। और उसकी ड्यू डेट्स भी है, राइट। वो ड्यू डेट इसलिए रखी गई है कि शायद जो वो आप ड्यू डेट मिस कर लेंगे और लेट फाइल करेंगे तो आपको इंटरेस्ट एंड लेट फीस एंड पेनल्टीज ये सब लग सकता है, राइट। सो ऐसा नहीं है कि आप जब मन चाहे ऐसा रिटर्न फाइल करेंगे। वो ड्यू डेट इसलिए लिखी गई है कि विद इन दैट ड्यू डेट यू नीड टू फाइल दैट रिटर्न वॉट एवर इट इज एप्लीकेबल टू यू, राइट। सो जब भी आप वो रिटर्न मिस कर देंगे तो उसके बाद यू नीड टू लायबल टू पे द इंटरेस्ट ऑल्सो जो भी एंड लेट फीस ऑल्सो, राइट। सो जो GST आपको जो पे करना है वो तो भरना ही है, मगर उसके साथ लेट फीस एंड इंटरेस्ट भी आपको GST के लायबिलिटी के साथ ऐड हो जाएगा। वो मतलब टोटल आपको भरना पड़ेगा, तभी जाके आपको रिटर्न फाइल होगा। सो वील डिस्कस कि कौन कितनी लेट फीस लगेगी और कितना आपको इंटरेस्ट लगेगा, सो यू कैन कैलकुलेट फॉर योर क्लाइंट्स ऑल्सो। जब आपका क्लाइंट कोई मिस कर ले या तो फिर कोई लेट हो जाए तो क्या करेगा, राइट। सो लेट्स सी द प्रोविजन। फर्स्ट हम देखेंगे रिगार्डिंग द लेट फीस, राइट। तो ये जो फॉर्म्स है 3B है, देन GST 1 है, देन 9 ऑफकोर्स एनुअल रिटर्न, देन एनुअल रिटर्न फॉर कंपोजिशन एंड ऑडिट रिटर्न, यस, और GST 10 है जो फाइनल रिटर्न है, राइट। सो ये सब जो अलग अलग क्राइटेरिया वाइज मैंने लेट फीस लगी है कि सब में अलग अलग लेट फी लगती है फ्रॉम द डेट ऑफ ड्यू डेट, राइट। अगर आप GST 3B मिस कर देते हैं तो अब सपोज आपको नील ही रिटर्न था फिर भी आपको आपने मिस कर दिया, मतलब ऐसा नहीं है कि आपकी GST लायबिलिटी नील है तो यू कैन फाइल एनी टाइम, नो, यू नीड टू फाइल ऑन टाइम। उसके लिए भी 20th ऑफ नेक्स्ट मंथ ही है, राइट। सो अगर आप 20 तारीख वो मिस कर देते हो GST 3B की, तो उस केस में भी अगर आपका नील भी रिटर्न है तो भी 20 rupees पर डे, मतलब 20 से जगह आप 21 को भी भर रहे हो तो भी आपको 20 rupees तो पेनल्टी विथ पेनल्टी भरना ही है। और सेम वे और ऑन द अदर साइड आपका नील रिटर्न नहीं है, राइट, मतलब 10 rupees भी आपको पे करना है GST, राइट। और आप सपोज आपका टैक्स है भी और माइनस क्रेडिट में भी है तो भी आपका नील रिटर्न नहीं माना जाएगा, दैट इज कॉल एज इन द अदर केसेस में ही आएगा, राइट। सो वो अदर केसेस में लगेगा 50 rupees पर डे। मान लीजिए ये जो 20 rupees और 50 rupees पर डे है, दैट इज हाफ ऑफ द ईच डे, मतलब SGST CGST लगेगा, तो 20 rupees का 10 SGST CGST 10 rupees, राइट। और सेम वे 50 rupees इन ईच अदर केसेस में, उस केस में भी 25 25, मतलब SGST का भी 25 पर डे और CGST का भी 25 पर डे। मगर उसमें एक प्रोविज़न है कि कितना लेट, कितना मतलब 2 साल के बाद भरेंगे तो कितना पेनल्टी ज़्यादा हो जाएगा, राइट। सो अभी जस्ट रिसेंटली अमेंड किया है बिफोर 6 months, अदरवाइज सब मेरे काफ़ी सारे लोगों ने 2 lakh 3 lakh उन्होंने रिटर्न फाइलिंग फीस भरी है, यस। सो अभी शायद बहुत लेट हो जाए, राइट, तो भी या तो फिर मैक्सिमम उसकी लिमिट उन्होंने प्रिस्क्राइब की है कि मैक्सिमम दैट वुड बी अ 5000, मतलब SGST होगा तो भी 5000 और CGST होगा तो भी 5000, राइट। सो उससे ज़्यादा आपको एक रिटर्न की फ़ी वो लोग चार्ज नहीं कर सकते, मतलब वॉट एवर सेप्टेम्बर मंथ का रह गया है तो सेप्टेम्बर का भी 10000 से ज़्यादा नहीं रहेगा, इन वॉट एवर कंडीशन, इफ़ यू आर फाइलिंग आफ्टर 2 years, 1 year और मे बी आफ्टर 6.5 years, वो मैक्सिमम फीस है उससे ज़्यादा, मतलब 10000 से ऊपर वो लोग नहीं जा सकते, राइट। सो लेट टू लेट फाइलिंग आपके 10000 पर मंथ हो गई, राइट, पर रिटर्न, प्लीज। सो या और GST 1 में ₹200 पर डे है, मतलब ₹100 CGST और 100 SGST, राइट। और GST 9A और 9C के लिए वो भी सेम ही है, ₹200 पर डे, मगर उसमें भी मैक्सिमम लिमिट डाला गया है, दैट इज हैज टू बी नॉट मोर देन 0.5% ऑफ टर्नओवर, मतलब जितना भी आपका टर्नओवर है उससे 0.5% से ज़्यादा आप नहीं चार्ज कर पाएंगे, राइट। मतलब सपोज आप मान लीजिए कि आपका 1 lakh rupees का ही टर्नओवर था पूरे साल का, देन यू मैक्सिमम आपका लेट फी रह गया था ओनली ₹500, तो उससे ज़्यादा वो लोग चार्ज नहीं कर पाएंगे, राइट। सो दैट इज़ अ लिमिट ओवर देयर। मगर सपोज करोड़ों में जिसका टर्नओवर है तो पॉसिबल है कि ये जो ₹200 पर डे जो है वो ज़्यादा चली जाएगी, राइट।
सो उस केस में मैक्सिमम 0.5% यू नीड टू कंसिडर कि उससे ज़्यादा आपको नहीं कंसिडर करना है, राइट। सेम वे इन जी एस टी आर 10 ऑल्सो दिस इज ऑल्सो 200 rupees पर डे, राइट। सो वी विल सी द एग्जाम्पल, सॉरी एग्जाम्पल हम साथ में ही देख लेंगे कि लेट फी, इंटरेस्ट और पेनल्टी दोनों का। अभी इंटरेस्ट भी है, सो लेट फीस तो आपको भरना ही है क्योंकि आपने ड्यू डेट मिस कर दिया है, मगर वॉट अबाउट द पेमेंट दैट यू आर पेड आफ्टर द ड्यू डेट, राइट। सो इंटरेस्ट हैज़ टू बी लेविड, राइट। सो वो मतलब जब भी आप लेट, सपोज आपका नील रिटर्न नहीं है और आप मिस कर देते हो, राइट, सो यू नीड टू पे विथ पेनल्टी एंड विथ इंटरेस्ट ऑल्सो, राइट। सो देर इज ऑल्सो टू टाइप्स के जो आपने आफ्टर द ड्यू डेट आप टैक्स पे कर रहे हो तो उस केस में वो इंटरेस्ट चार्ज रहेगा 18% पर एनम फ्रॉम द फर्स्ट डेट ऑन द विच रिक्वायर टू बी पे, मतलब जो ड्यू डेट थी उस वहाँ से लेके जहाँ तक आप एक्चुअल डेट ऑफ पेमेंट जब आप चैनल पे CMP PMT 07 जब आप पे करते हो वो डेट से, वो जब जहाँ से आपने मिस कर दिया था वो वाली डेट तक का आप इंटरेस्ट पेमेंट करेंगे, राइट। और वॉट इफ के आपने टैक्स रिटर्न तो फाइल कर दिया था, राइट, आपने रिटर्न रेगुलरली फाइल कर दिया था तो भी ऐसा हो सकता है कि गवर्नमेंट आपको इंटरेस्ट पेनल्टी के इंटरेस्ट के रिगार्डिंग नोटिस भेज सकती है। वो कब भेजेगी, क्या उनको लगता है कि आपने जो ITC क्लेम किया था वो एक्सेस कर दिया था, राइट। सो इन दैट केस ऑल्सो दे विल चार्ज द 24% ऑफ द इंटरेस्ट। वो अगर आपने गलती से ज़्यादा ले ली गई है तो आपको तो रिवर्स करना ही, और अगर वो रिवर्स नहीं किया है सो यू नीड टू बी लायबल टू पे द इंटरेस्ट। वो जब भी आपको डिपार्टमेंट के नोटिस आएगी यू नीड टू पे दैट, राइट। और वो कब तक, जब तक नोटिस आएगी वहाँ तक जहाँ से आपने वो ड्यू डेट था वो रिटर्न का, जो आपने गलती से ITC क्लेम कर दिया था, फेक इनवॉइस शायद पॉसिबल, सो वहाँ से लेके जब आप पेमेंट करेंगे वहाँ तक का आपको इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ेगा। सो इट इज़ बेटर टू अवॉइड द इनरेलेवेंट ITC, राइट। वी विल सी द एग्जांपल्स। मिस्टर पटेल हैज़ फॉलोइंग GST लायबिलिटी, उनकी कुछ इस तरह से लायबिलिटी बन रही है फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 2019, राइट। उनकी लायबिलिटी है CGST, SGST, IGST, टोटल उनकी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी 8900 और IGST 500 rupees है। वैसे ही सेम माइनस उनका इनपुट टैक्स, उनकी इनपुट टैक्स क्रेडिट 4300 CGST है, 4300 SGST है, राइट, और IGST की क्रेडिट नहीं है। तो उनकी लायबिलिटी अभी कितनी रहेगी, 4600 प्लस 500 IGST, राइट। नाउ क्वेश्चन इज, मिस्टर पटेल इज फाइलिंग GST रिटर्न ऑन 31st of August 2020, व्हाट अमाउंट मिस्टर पटेल विल पे टू द GST डिपार्टमेंट इन PMT 07, मतलब वो उनका चलन कौन कितने अमाउंट का बनेगा, राइट। सो वी विल डिस्कस। यहाँ पे आप देखेंगे कि मिस्टर पटेल का नील रिटर्न नहीं है, राइट, दे हैव लायबिलिटी, राइट। सो एंड उनका जो जुलाई 2019 का रिटर्न था तो उनकी ड्यू डेट आ रही है August 2019 में, मतलब 20 August 2019 से पहले उनको GST R 3B फाइल करना था। दे नीड टू पे द पैनल, दे नीड टू पे द GST लायबिलिटी एंड 3B ऑल्सो, राइट, मगर उन्होंने नहीं फाइल किया। अभी वो मेरे पास आए 31st of August को, तो मैं उनका चलन का अमाउंट कौन सा मैं बनाऊंगी, राइट। सो विल डिस्कस कि वो अभी लेट 20 अगस्त उनकी ड्यू डेट थी, राइट, 31 अगस्त उन्होंने वो फाइल कर रहे हैं, सो 11 दिन वो लेट चल रहे हैं, कीप इन माइंड, राइट। सो व्हाट वुड बी द वो दैट इज लेट बाय 11 डे, GST लायबिलिटी वुड बी, उनकी लायबिलिटी तो यही है 4600 और 500 IGST है। लेट फी कितने हिसाब से लगेगा, 50 rupees हिसाब से, क्योंकि ये नील रिटर्न नहीं है, 50 rupees, राइट। सो CGST में लगेगा ऑफकोर्स 25 rupees और इंटू 11 दिन का इंटू 11, राइट। सेम वे SGST में भी 25 rupees, 50 rupees का हाफ ऑफ, राइट। सो सेम वे उसमें भी इतना ही लगेगा और IGST में लगेगा अगेन 50 rupees इंटू 11, क्योंकि 500 rupees IGST को वो फाइल कर रहा है, राइट। सो इस केस में उनका लेट फी CGST 275, SGST 275 और IGST 550, राइट, और प्लस इंटरेस्ट भी उनको फाइल करना रहेगा, दैट इज 18% पर एनम, वो भी 11 दिन का, राइट। तो जो भी उनका ये जो लेट फी जो GST लायबिलिटी है उस पर वो इंटरेस्ट पे करेंगे, नॉट ऑन द ग्रॉस अमाउंट, राइट,
क्रॉस अमाउंट पे आपको इंटरेस्ट चार्ज नहीं करना है। ऑलरेडी हाई कोर्ट का डिसीजन आ चुका है कि यू कैन यू नीड टू पे द इंटरेस्ट ऑन नेट लायबिलिटी, नॉट बिफोर द ITC क्लेम। लाइक क्रॉस क्लेम वाली ये वाली लायबिलिटी पे नहीं, आप नेट ऑफ आईटीसी जो GST लायबिलिटी बन रही है उस पर आपको इंटरेस्ट चार्ज करना है, राइट। सो SGST के केस में 4,600 × 18% पर एनम जो है, और 11 दिन का हम डिवाइड कर देंगे, राइट। सो वो 25 रुपीज़ आ रहा है उस केस में, और जो IGST है 500 रुपीज़, उसका भी 11 दिन का करके उसका 3 रुपये आ रहा है। तो उनका चलन कुछ ऐसा रहेगा, उनकी लायबिलिटी कुछ ऐसी रहेगी। GST लायबिलिटी दैट वुड बी 4,900 CGST आएगा, 4,900 SGST और 1,103 उनका IGST रहेगा, राइट। सो दैट इज़ अ लायबिलिटी। उन्होंने सपोज ऑन टाइम भर दिया होता, 20 अगस्त को ही भर दिया होता, तो ये उनकी लायबिलिटी रहती, राइट। ये 4,600 प्लस 500, मगर ये 11 दिन लेट भर रहे इसलिए उनकी लायबिलिटी अभी ये रहेगी, राइट। सो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ मिस्टर पटेल हैव नील लायबिलिटी वॉन्ट्स टू फाइल द नील रिटर्न, देन वॉट वुड बी द GST लायबिलिटी। ये वो बोल रहे हैं कि सपोज उनका कुछ आउटपुट टैक्स ही नहीं था, इनपुट टैक्स ही नहीं था, राइट, और उनको नील ही रिटर्न फाइल करना था, और फिर भी वो 11 दिन लेट आए, फिर भी वो 31 अगस्त को आए, तो क्या करेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है कि नील रिटर्न की कोई लायबिलिटी नहीं बनेगी। ऑफकोर्स इंटरेस्ट नहीं लगेगा क्योंकि टैक्स उनका नील है, राइट, मगर वो नील है फिर भी उनको लेट फीस तो फाइल करनी ही पड़ेगी। दैट हैज टू बी इन कैश। ऐसा नहीं है कि उनके पास इनपुट टैक्स क्रेडिट है तो उससे सेटअप कर सकते हैं। जो भी उनका लेट फी आता है, देर हैज टू बी पे इन कैश। उनके पास ITC ऑलरेडी पड़ी है फिर भी वो यूज नहीं कर पाएंगे। जो भी वो लेट फी आ रही है 11 दिन की 20 पर डे और 11 डेज की 225 रुपीज, राइट। तो जो भी उनकी आ रही है, देन दे नीड टू बी पे इन कैश। तो वो केस में उनकी GST लायबिलिटी ऑफकोर्स 000 है। CGST SGST एंड IGST GST लायबिलिटी 10 रुपीज़ में हम डिवाइड कर देंगे, राइट, 11 डेज के लिए। सो 110 CGST रहेगा और 110 SGST रहेगा, और इंटरेस्ट उनका 11 दिन का जीरो ही रहेगा, राइट। तो उनका टोटल GST लायबिलिटी 110 और 110, राइट। तो दैट हैज टू बी पे इन कैश। तो दैट्स ऑल दैट इज रिगार्डिंग द लेट फीस एंड इंटरेस्ट। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।